एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? तो गाइज, आज मैं जा रही हूँ मायके। बहुत टाइम बाद आप लोगों को मायके का ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा, और थोड़ा आज मन भी ठीक नहीं है। कुछ लोग जो स्टार्टिंग से ब्लॉग नहीं देखते उनको मैं बता देती हूँ, और जो स्टार्टिंग से देखते उन्हें पता है मैं मायके जाती हूँ। तो आप लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि मायके में बस आपके पापा भैया हैं, मम्मी नहीं है। तो मैं, कई लोगों को पता भी होगा, जैसे मैंने काफी ब्लॉग्स में बताया भी है, बट मैं आज फिर से बता रही हूँ कि मेरी मम्मी नहीं है मायके में। मम्मी की डेथ हो गई मेरी शादी से पहले। आप लोग पूछ रहे शादी के बाद, शादी से पहले, तो शादी से बहुत टाइम पहले, जब मैं छोटी थी, 9th क्लास में थी, तभी मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो आज मम्मी को पता है 11 साल हो गए। तो इसीलिए मैं घर जा रही थी, क्योंकि हर साल ना हम गरीबों में खाना बांटते हैं। 16 अप्रैल, आज 16 अप्रैल, आज के दिन ही मम्मी की मेरी डेथ हुई थी। तो हम लोग खाना बांटते हैं आज के दिन। शादी से पहले भी मैं खाना बांटती थी, मतलब खुद के हाथों से बना के, और फिर मैं बांटती थी। अब पापा के काम वाली आंटी भी हैं जो बनाती हैं खाना, क्योंकि मम्मी नहीं है, कोई नहीं है, पापा भैया ने लगा रखी है, तो वही खाना बनाती हैं वैसे तो। लेकिन उनके संग हेल्प करा दूंगी, मेरा भी हाथ लग जाएगा, क्योंकि प्रॉपर तो अभियुक्त वहां पे नहीं करने देता है मुझे, यहाँ पे ही नहीं करने देता अभियुक्त तो सही से काम। तो बस अभी मैंने नीचे से खाना वगैरह बना के आई हूँ, भैया मुझे लेने आ गए, 11:30 बज रहे हैं सुबह की, और मैं जा रही हूँ घर। अभी किसके घर जा रहे हो? बाय, किसके घर जा रहे हो? बाय नहीं, किसके घर जा रहे हो? गाइस को बता दो किसके घर जा रहे हो। हाँ गाइस को ही बताओ किसके घर जा रहे हो। किसके घर जा रहे हो? नाना के घर। बाय चले दादी। दादी बाय, चलो पैर छुओ दादी के, बाबा से तो कह दो मैं जा रही हूँ। कहाँ लुढ़क रहे हो? पैर छुओ। इन्हें फोन कर दिया है, पता नहीं कहते हैं। मम्मा भी तो छुएंगे दादी के पैर। अबू आके हैं, वो आके भी छुओ। दादी के मम्मा छू लिए ऐसे कर। लल्ला ने नहीं छुए दादी के। है बाबू, दादी के पैर छुआ? पैर छुओ दादी के, पैर छुओ। ये मम्मा के पैर छुए, मम्मा के पैर छुओ। अरे मेरा बेटा इतना बड़ा हो जाए। पढ़ ले तू, चलो अब बाय कर दू सबको, फिर बाय कर दू, ठीक कर ले। झूठे ना करेगा अभी, बाय कर दो। हीरो, ओहो हो, हीरो जा रहे हैं। हीरो बुआ, दुकान को देखो, ये हीरो बन के जा रहा है। तो गाइस निकल गए हैं घर से, चलते हैं। भैया ने यहाँ पे अभी गाइस देखो, गाइस बाय, तो पहुंचते हैं घर। गर्मी में से आए हो ना, मम पीते हैं। गर्मी में से बाहर से आते हैं, ठंडा ठंडा मम पीते हैं। क्या पी रहे हो? क्या पी रहे हो? बस पी लिया। ये है मेरी मम्मी। तो गाइस ये जा रहे हैं आज पहली बार, ये नानू के साथ चीले में जा रहे हैं। नानू की गोद में नहीं जाते थे ये। कहाँ जा रहे हो? बाय कर दो, बाय बाय कर दो नाना के साथ में। बाय तो करो मम्मा को। बाय करो। बाय। आज की पहली बार ही आया होगा पापा ऐसे। तो अभी जाए नानू के साथ चीज लेने। बाय। ओहो, नानू बड़े धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। पापा के ना पैरों में थोड़ी दिक्कत रहती है गाइस, इसलिए ना ज्यादा देर से ले नहीं पाते हैं, क्योंकि गिरने का डर रहता है। आज पहली बार ये पापा की गोद में गया होगा ऐसे चीज के लिए, वरना जैसे ही 2 सेकंड के लिए जाता है एकदम से रोने लगता है। है पापा बहुत खुश हो जाएंगे आज तो। ये डॉल दीदी को कॉल करके बता रहे हैं कि आज वो नानू के साथ गया है चीज लेने। नाना के साथ क्या लाए हो? जूस मांगा है। उम्मा उम्मा दो ना, गाल पे, गाल पे, गाल पे उम्मा दो। बाय। ए उम्मा गए। ऐसे फ्रेंड तू दीदी आ जाती है उसका आराम से।
ये किचन में पहले हमेशा इसी में खाना बनाती थी, सब करती थी, बट अब आदत ही नहीं रही है कुछ भी, मतलब बर्तन भी बिल्कुल चेंज चेंज से लग रहे हैं। और पहले तो अपनी किचन में कुछ नहीं करने देती थी किसी को भी, है ना, इधर से उधर नहीं कुछ करने देती थी, जैसे सामान मैं सेट करती थी मुझे वैसे ही चाहिए होता था, है ना रोहित भैया। पर अब सारा सामान उल्ट पुलट हो गया है। तो मैंने आलू उबालने, एक सेकेंड, तो मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं, आलू उबल जाएंगे, आंटी आएंगी छोंक देंगी, पूरी बना देंगी, मेरा हाथ भी लग गया तो आलू तो उबलते रहेंगे। हम चलते हैं अंदर, पूरी आलू उबालने रख दिए मैंने, लाइट जला लूं, है अंधेरे करके दोनों नानू धेपते सो रहे हैं, उठ गए हैं और अब सो रहा है, पति देव आने वाले होंगे, पति देव आ जाए उसके बाद हम लोग जाएंगे खाना बांटने। गाइस आंटी आ चुके हैं, मैंने तो आलू उबाल के रख दिए थे, आंटी आई है, आंटी खाना बना रही है, खाना पूरी सब्जी, और मैं और पापा मम्मी की बातें कर रहे थे तो बस सोना आ गया इसलिए, तो फिलहाल अभी खाना बन जाए उसके बाद बांट के आते हैं, पति देव भी आ चुके। मेरी आंखें कैसी हो गई, मैं और पापा मम्मी की बातें कर रहे थे, मैं तो रोना आ गया, मेरे पापा मम्मी को याद कर रहे थे, देख रही होंगी वो, है ना। और अभी तो नानू के आके घर में सोता ही रहता है ये, देखो अले उठ गया, अरे चीज। और अभी तो आए थे हीना के साथ में दोनों को लेने, और अभी तुम्हारे चश्मा उश्मा पहन के बिल्कुल हीरो बन के, आज तो आज ये इतना चश्मा उतार भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल हीरो लग रहा है। गाय बोल दो, गाइस बाय। और अभी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है एकदम चश्मे में हमारा, है ना अभी आप क्या लग रहे हो, स्मार्ट। तो गाइस चलते हैं, खाना तो पैक कर लिया था हमने, वो पैकेट ले आए थे पैक करने वाले, तो उसी में पैकेट पैक करके हमने वो उसे स्कूटी पे रख दी और हम जा रहे थे स्कूटी पे, और पापा के पास पापा जी आ गए थे, तो पापा के पास पापा जी आ गए थे इसलिए पापा नहीं जा रहे, तो हम लोग जा रहे हैं बांटने। तो मैं पतिदेव अभियुक्त और अभियुक्त के हाथ से बंटवाना है आज हमारे, आज के हीरो बने हुए हैं अभियुक्त, अभी वो अपने हाथ से दो अंकल को, ये वाला दो इनको, इनको दो, आओ ये क्या हो गया, आओ दे दे, हमें दे दो, इन्हें दो, इन्हें दो, दोनों हाथों पर तुम्हारे ये हमारे छोटे सेठ जी चल रहे हैं हमारे साथ में आज। मनोकामना मंदिर आए तो भगवान के दर्शन भी कर लेते हैं, हैंड टू हैंड भगवान के दर्शन भी करेंगे। हमारे स्टाइलिश बच्चे ने चश्मा पहनना आज ही सीखा है, और आज भी ये निकालना बिल्कुल भूल गए हैं कि ये चश्मा निकाला नहीं जाता है। जय चलो जय जय कर लो, जय कर रहे हैं, जय करो आप भी करो, चश्मा उतर गया उनका।
तो गाइस ये फ्रूटी रह गई थी टिक्की में रखी हुई, हम भूल गए थे, हमने पूरी सब्जी तो बांट दी थी बट ये मैंने फ्रूटी भी नहीं थी बच्चों के लिए, ये बच्चे थे, वो बच्चे वैसे भी वहाँ पे कम ही थे और बहुत शरारती बच्चे थे, पता है एक फ्रूटी लेने के बाद में उसे पीछे छुपा के दूसरी लेने के लिए तैयार थे। फिर रोहित भैया ने डांटा कि नहीं एक एक लो, और इस ब्लॉग का एंड नहीं हो पाया था तो मैंने सोचा चलो यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।